हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एनसी एट जोन जैसा कि आपको पता है स्पीडी के एनुअल करेंट अफेयर्स जनवरी से दिसंबर वाला जो था उसको डिस्कस कर रहे हैं हम दो वाले को तो बहुत सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स को और स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अभी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया टोक्यो पैरालंपिक्स के बारे में डिस्कस किया उसके अलावा प्लेयर्स उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स की बात हमने की उनके स्टेट्स की हमने बात की इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड टूर्नामेंट जैसे आई की बात हमने की थी टेस्ट चैंपियनशिप की बात हमने की थी उसके अलावा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप और फिफ्टी फिफ्टी ओवर्स का वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट्स पैनोरमा हमारा भी चल रहा है तो आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं बैडमिंटन की फुटबॉल की और हॉकी की यानी कि इनसे रिलेटेड जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं उनके विनर कौन रहे हैं रनर अप कौन रहे हैं इनकी बात हम करने वाले हैं ठीक है तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं हर वीडियो में देता हूँ याद हो गया होगा बीपीएसई बी पी एस सी प्लस सी डी पीओ जो एग्जाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग हमारा कंबाइंड कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि फर्स्ट फेब से पहले लेते हैं आप तो वन ट्रन वन नाइन नाइन में ये कोर्स आपको मिलेगा चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला कप लेते हैं इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2021 और ये जो टूर्नामेंट होता है ये बैडमिंटन के फील्ड में होता है तो यहाँ से आप एक चीज और ले सकते हैं कि जितने भी स्पोर्ट्स के या टूर्नामेंट्स या कप के नाम आएंगे ना वो किस टूर्नामेंट से रिलेटेड है सॉरी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये भी आप यहाँ से याद करते चलिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये सवाल बनता है एग्जाम में कि ये कप कौन से आ, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ठीक है तो ये चीज भी यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा इंडोनेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट 2021 मेंस और वुमेन्स सिंगल विनर की बात करें तो मेंस सिंगल के विनर रहे कैंटो मोमोटा और वुमेन्स सिंगल की विनर रही आन शी यांग उसके बाद बात करें डेनमार्क ओपन 2021 की ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड था मेंस और वुमेन्स सिंगल विनर की बात करें तो मेन सिंगल थे विक्टर एगजेलसन और वुमेन्स सिंगल की विनर जो थी वो थी एकेन यामागुशी कौन याकेन यामागुशी उबर कप अ वेरी पॉपुलर नेम इन द फील्ड ऑफ बैडमिंटन ये कप बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में तो इसको याद रखिएगा उबर कप इज रिलेटेड टू बैडमिंटन उबर कप 2021 के विनर रहे थे रहा था चाइना और वहीं पे अगर हम रनर अप की बात करें यानी कि सेकंड पोजीशन पे रहा था जापान थॉमस कप भी काफी प्रसिद्ध नाम है अगर हम बात करें बैडमिंटन की तो बैडमिंटन थॉमस कप 2021 के विनर रहे थे इंडोनेशिया uh, रहा रहा था और रहा था और रनर अप चाइना ठीक है बात करते हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन हजार इक्कीस की तो मैनस और वुमेन्स सिंगल सिंगल्स विनर की बात करें तो मैन सिंगल के विनर थे किसके ऑल इंग्लैंड ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 के मैन सिंगल के का खिताब जीता ली जी जिया ने वहीं पे वुमेन uh, सिंगल का खिताब जीता नोजोमी ओकुहारा ने काफी पॉपुलर नाम है ये ठीक है नोजोमी ओकुहारा आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं कुछ और बैडमिंटन uh, से रिलेटेड स्पोर्ट्स है जैसे पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 की बात करें तो फर्स्ट रैंक पे रहा था इंडिया सेकंड पे रहा था फ्रांस ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है इसको याद रखिएगा पैरा बैडमिंटन दो फर्स्ट पे रहा था इंडिया और सेकंड पे रहा था फ्रांस योनेक्स स्विस ओपन की बात करें योनेक्स स्विस ओपन 2021 मेंस और वुमेन सिंगल विनर कौन रहा था तो मेंस सिंगल अगेन विक्टर एक्सेलसन रहे थे और वुमेन सिंगल रहे थे कैरोलिना मरीन युगांडा इंटरनेशनल 2021 मेंस सिंगल विनर रहे थे वरुण कपूर और वुमेन सिंगल की विनर रही थी मालविका बंसोड़ ठीक है अब बात करेंगे हम फुटबॉल से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट्स की तो फुटबॉल से रिलेटेड अगर हम टूर्नामेंट्स की बात करें तो सबसे पहले टूर्नामेंट हमारे सामने है एस ए एफ एफ चैंपियनशिप दो यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इस चैंपियनशिप के अच्छा मैं लिख देता हूं यहां पे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन इस चैंपियनशिप के विनर जो रहा था वो अगेन इंडिया रहा था और रनर द फील्ड ऑफ फुटबॉल डूर कप याद रखिएगा डूरेंट कप किससे रिलेटेड है फुटबॉल से विनर रहा था एफ़सी गोवा फुटबॉल क्लब गोवा और रनर अप रहा था मोहम्डेन ठीक है सॉकर क्लब एस बात करें अगर हम फीफा फ्यूसल वर्ल्ड कप 2021 की फीफा फ्यूसल वर्ल्ड कप 2021 की तो सबसे पहले यहाँ पे फीफा की बात कर लेते हैं फीफा का फुल फॉर्म क्या है फीफा का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन सॉरी 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 फीफा का फुल फॉर्म होता है क्या फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन राइट इट्स इट्स फ्रेंच टर्म तो थोड़ा सा इस तरीके से फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन ओके अगर आप ठीक से बोलना चाहे अगर इसको थोड़ा प्रिसाइज वे में तो ऐसे बोल सकते हैं इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल ठीक लेकिन जो फुल फॉर्म होता है एग्जैक्टली exactly वो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन तो ये तो फीफा हो गया फीफा के बारे में कुछ और जानकारी ये है कि ये फाउंडेड कब कब का है यानी कि कब इसकी स्थापना की गई थी तो 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी कब की गई थी 21st मई 1904 में ये स्टैब्लिश हुआ था फॉर्म हुआ था अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ज्यूरिक पेन नहीं चल रहा है ठीक से ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में इसका क्या है uh, हेडक्वार्टर है अगर हम बात करें इसके प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो क्या है जियानी इन इन्फेंटिनो ओके okay? तो जियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है अब आगे बात करते हैं जो इस वर्ल्ड कप का विनर रहा था वो था पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल और हराया किसको था पुर्तगाल ने अर्जेंटीना को हराया था उसके बाद बात करें फीफा बीच सॉकर वर्ल्ड कप की ये क्या था फ्यूजल वर्ल्ड कप और ये था बीच सॉकर फुटबॉल कप 2021 की तो विनर रहा था रशिया और हराया था जापान को यूरो कप वेरी पॉपुलर कप इसको याद रखिएगा यूरो कप इज रिलेटेड टू फुटबॉल यूरो कप का विनर रहा था इटली और इसने हराया था इंग्लैंड को ठीक है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं कोपा अमेरिका 2021 की यह भी काफी चर्चा में रहा था और ये एग्जाम में कभी भी आ सकता है तो इसको याद करके चलिए कोपा अमेरिका 2021 फुटबॉल चैंपियनशिप का जो विनर था वो था अर्जेंटीना और हराया किसको था ब्राजील को यानी कि ब्राजील रनर अप रहा था यू ई एफ ए चैंपियनशिप की अगर बात करें ठीक है यू ई एफ ए यानी कि द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन क्या द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन यू ई एफ ए तो यू ई एफ ए चैंपियनशिप लीग दो हजार इक्कीस के जो विनर था वो था चेल्सी कौन सा चेल्सी अगर वहीं पे बात करें मैनचेस्टर सिटी तो ये रनर अप रहा था ठीक है उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 जो फुटबॉल चैंपियनशिप हुआ था इसका विनर था मैनचेस्टर सिटी मैनचेस्टर सिटी और वहीं पे अगर हम बात करें रनर अप की तो रनर अप रहा था क्या ये लिसेस्टर सिटी कौन लिसेस्टर सिटी बात करें लाल लीगा 2021 की तो ये याद रखिएगा काफी पॉपुलर नाम है फुटबॉल के क्षेत्र में तो लाल लीगा 2021 के का विनर था एटलेटिको <coughs> मैड्रिड कौन एटलेटिको मैड्रिड और रनर अप था रियल मैड्रिड कौन रियल मैड्रिड वॉज रनर अप बात करें बुंडेज लीगा बुंडेस लीगा फुटबॉल टाइटल 2021 की तो बुंडेस लीगा फुटबॉल टाइटल 2021 का जो विनर था वो था बेन म्यूनिक वेट मेरा पेन काम नहीं कर रहा है पेन 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 यस तो कैन बैंड म्यूनिक वाज़ द विनर एंड रनर अप वॉज लिपजिंग कौन रनर अप था लिपजिंग एफ कप 2021 की बात करें फुटबॉल एसोसिएशन कप 2021 की तो ये था विनर लिसेस्टर सिटी एंड रनर अप चेल्सी बात करें इंडियन सुपर लीग की 2021 वाला तो विनर रहा था मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब और रनर अप रहा था एटीके मोहन बागान रनर अप वाज एटीके मोहन बागान अब बात करते हैं कुछ हॉकी और उससे रिलेटेड चैंपियनशिप की और जो विनर रहे थे उसकी तो देखिए थर्टींथ सीईसी कप आइस चैंपियनशिप 2021 की अगर हम बात करें तो 13th CEC सी चैंपियनशिप दो के विनर था ड्रास रेड और रनर अप था चिक चिकटन टीम कौन चिकटन टीम यू ई एफ ए अगेन अभी हमने यू ई एफ ए की बात करी यू ई एफ ए क्या होता है द यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन तो अगर हम बात करें इसके स का चैंपियनशिप लीग था हॉकी से रिलेटेड था तो बात करें विनर की तो विनर बार्सिलोना रनर अप रही चेल्सी ठीक है बात करते हैं टेंथ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप की जो कि कहां पे हुआ था लद्दाख में ठीक है तो विनर रहा था इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और रनर अप रहा था लद्दाख रनर अप कौन रहा था लद्दाख रहा था तो ये कुछ टूर्नामेंट्स थे कुछ चैंपियनशिप थी रिलेटेड टू बैडमिंटन फुटबॉल एंड हॉकी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी एक बार में अगर याद ना हो ऑब्वियसली एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा कुछ बातें दिमाग में रहेंगी कुछ बातें दिमाग से निकल जाएंगी तो करना क्या होता है अगर इस तरीके के स्टैटिक पोर्शन या करंट अफेयर्स को पढ़ना होता है तो इसको ना बार बार रिवाइज करना होता है तो कम से कम दो तीन बार वीडियोज देख लीजिएगा कुछ कुछ टाइम पे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा और याद रह जाएगा ठीक है तो चलिए तय रहने देते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर अच्छा जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी तो हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके हमें ज्वाइन कर लीजिए साथ ही, ही साथ हमारे कुछ और कोर्सेज चल रहे हैं जैसे लुसेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव राकेश यादव सर का जी उसके अलावा क्राउन जी जी का कोर्स हमारा चल रहा है सब्जेक्टिव और क्राउन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हिंदी प्लस इंग्लिश में मैं फ्री करवाने वाला हूँ तो बाकी सारे तो पेड कोर्सेज़ हैं लेकिन ये क्या है फ्री होने वाला है उसके अलावा और क्या है तो और इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमारा पेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं तो जाइए इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और एन जोन के नाम से पेज को सर्च करिए और हमें ज्वाइन कर लीजिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर